अभी वैक्सीन टाइम है तुम्हारा। चलो भाई चलो 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 चलो, बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। ये देखे अभी दोनों हाथ लेके आ गया। हाँ से ना भाई, कब से अपनी ये घास उठा उठा के, ये वहां से उठा के, ये देखें भाई अभी उठा के लेके आया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैटल सीन्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों तो मैं फार्म पे पहुंच चुका था और इस वक्त ना कोई भाई 11 बजे का टाइम हो रहा है और इस वक्त मैं फार्म पे आ गया हूँ और अब से मैं इसी टाइम पे फार्म पे आया करूंगा जैसे मैं रमजानों से पहले आया करता था। रमजानों में ना यार हमारा रूटीन बहुत ही आउट हो गया था, इफ्तारी से पहले हम लोग फार्म पे आते थे और आप लोगों को ना सही से कुछ दिखा भी नहीं पाते थे, अंधेरा हो जाता था। और अब भाई पहले वाले रूटीन पे आएंगे तो भाई प्रॉपरली सारे के सारे जानवर जिस तरीके से आपको पहले दिखाते थे वैसे ही दिखाया करेंगे। अभी चलते हैं जल्दी से खाते के अंदर, और चैनल पे नए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक? खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, ईद मिलने। तो दोस्तों भाई फाइनली आबिद की जो है हमारे फार्म पे वापसी हो चुकी है। ईद मनाने गए हुए थे, अब ईद करके आ गए और ना ये अपनी जगह ना एक लड़का और छोड़ के गया था जो नेक्स्ट डे भाई फार्म से भाग गया। उसकी तबीयत खराब हो गई थी, क्या हो गया था? असल में वो बेचारा बीमार था, मुझे भी जाके गाँव पता चला है। उसके घर वालों ने बोला की वो उसकी तो तबीयत सही नहीं, तुमने वहाँ छोड़ दिया उसको। मुझे तो उसने बताया ही नहीं है। फिर यहाँ आके चाचा को बोला कि मैं आपको परेशान करूँ अच्छी बात नहीं है। तो मैं जा रहा हूँ। मुझे सुलेमान चाचा की ऐसी कॉल आई थी भाई, सुलेमान चाचा ने मुझे बोला कि यार वो ऐसी बात कर रहा है, उसकी तबीयत ज्यादा खराब है। मैंने बोला भाई जा रहा है तो उसको जाने दो, फोर्स नहीं करो, ऐसे नहीं रोको। और भाई ये क्या इंजेक्शन ले लिया थी तुमने हाथ में? जी भाई वैक्सिंग करनी है बकरों की, सारे भी। तो दोस्तों यही सीन है यार, मैंने आबिद को बोल दिया था हमें सारे के सारे ना बकरी के बच्चे और हमारे पास जो बकरियां हैं और वो जो एक बड़ा हम गुलाबी बकरा लेके आए हैं उन सब की हम वैक्सीन करने वाले हैं, इंक्लूडिंग जो हमारे पास एक धुम्बा है सबको हम स्किन की वैक्सीन करेंगे आज। सुलेमान चाचा निकाल लो वैक्सीन वैक्सीन, चलो अभी जल्दी से चलते हैं, इसको पकड़ो। चलो वैक्सीन एक बंदे को भी करनी है। किसको करनी? माजिद को। माजिद को? हाँ, क्यों भाई? एलर्जी हो गई है ना। हाँ। आयो मेरे को उसको भी लगाते हैं ना। नहीं नहीं उसको तो इंसानों वाली लगेगी, ये तो जानवरों की है, बिल्कुल सट हो जाएगा। हाँ, नहीं नहीं ट्राई नहीं कर लेना, पता चले यार इन्होंने माजिद को आइवरमेक लगा दी पीछे से फिर क्या करते फिरेंगे, रोकना। अब आ गए हो ना, इनको पता चले तुम्हारे पीछे से लगा तो नहीं दी इन्होंने? नहीं नहीं लगाई ना, पक्का ना? बढ़ गया बढ़ गया। हाँ भाई आ जाओ सारे आ जाओ भाई, सबको वैक्सीन लगेगी। बबली कैसी हो तुम? बबली को भी लगेगी यार, आओ बबली को लगा दो, बबली को लगा दो, सबसे पहले भाग जाएगी वरना। बैठो इधर, चलो अभी वैक्सीन टाइम है तुम्हारा। चलो भाई चलो 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 चलो, बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, चलो चला दो। चलो भाई हो गई भाई वैक्सीन हो गई, जाएँ जाएँ भाई जाएँ इंजॉय करें। चलो भाई, अरे भाई सुलेमान चचा ने कान से पकड़ लिया, कहाँ जा रही है भाई, इधर तो आ। चलो भाई इसको भी लगा दो, चलो चलो चलो, ले आओ भाई ले आओ दूसरी ले आओ, आ जाओ भाई। चलो ओ भाई इसका तो इंजेक्शन देख के भाई वॉशरूम वॉशरूम निकल आया। तो दोस्तों इसको अभी हम नहीं लगा रहे क्योंकि भाई इस पे अभी हमें शक है कि ये ना प्रेग्नेंट है। शक नहीं है, पक्का है। हाँ पक्का है, लेकिन हमें इसका तो नहीं पता ना कि कौन चढ़ा है, किससे क्रॉस हुई है, आपको पता है? बोर से हो गई है। हाँ ये दो बच्चे देगी। अच्छा दो बच्चे देगी, बोर से हो गई है ये भी बता दिया। अगर तीन दे दिए? नहीं दो देगी। दो देगी और कैसे देगी? अगर बोर से तीन हो गए ना मिठाई आपको खिलाऊं। हाँ और अगर एक हुआ? एक हुआ ना आबिद खिलाएगा, आबिद खिलाएगा। चलो 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 डन हो गया। तो दोस्तों इसमें हमारी शर्त लग चुकी है, एक बच्चा हुआ तो आबिद मिठाई खिलाएगा, दो बच्चे हुए तो मैं खिलाऊंगा, तीन हुए तो आप खिलाओगे। मैंने दो बोले, आपने तीन पे आप खिलाओगे? तीन पे आप खिलाओगे ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, दो पे मैं खिला दूंगा। सही है, डन हो गया। तो भाई ये सीन है और भाई अल्लाह मालिक है भाई इस बकरी में से क्या निकल के आता है क्योंकि हमें पता ही नहीं है किससे क्रॉस हुई है। हमारे पास गुलाबी बकरा भी है और हमारे पास ना पहले बोर भी थे और सुलेमान चचा को भी यही शक है, हमें भी यही शक है कि भाई ये बोर से क्रॉस हुई है ना शायद, और देखते हैं कि भाई अगर बोर से क्रॉस हुई है तो पता नहीं कैसी चीज़ निकल के आएगी। हाँ फुल तैयार है ना, लेकिन यार सुलेमान चचा अगर बोर से क्रॉस हुई है तो कैसी चीज निकल के आएगी, कोई अनमोल सी चीज आएगी ना, इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों आप लोग भी दुआ करेगा यार ये जो हमारी बकरी है जो प्रेग्नेंट है साथ खैरियत से यार बच्चा दे दे, और भाई बहुत ही प्यारा बच्चा है, आप लोग भी एक्साइटेड हो जाए भाई क्या चीज आएगी। बोर जैसे बोर थे ना ऐसे बच्चे आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लेकिन वो ब्राउन कलर में थे, इस बकरी का ना थोड़ा ब्लैक ब्लैक भी कलर है, शायद ब्लैक में आ जाए। अब लग जाएंगे बोर पे जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
तो दोस्तों यार बहुत ही यूनिक चीज आने वाली है। एक और बच्चों की वेल्सिंग करें। कौन से? वो आपने दिखाए भी नहीं है। हाँ ये देखो बच्चे भाई, वो देखिए दोस्तों भाई हमारी जो मुर्गी है इसने 6 बच्चे दिए और ये रिसेंटली दिए हैं, ये मैंने नहीं दिखाई थी। ये हमारी वाइट ना हीरा मुर्गी है और इसने यार देखें माशाल्लाह माशाल्लाह भाई कितने प्यारे प्यारे से बच्चे दिए। और यार इसने इसके नीचे कितने 13 अंडे रखे हुए थे ना। ये बच्चे सिर्फ 7 से 6 ऐसा क्यों है? ये नस्ल वाली है यही देती है। अच्छा, तो दोस्तों आप लोग भी जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि यार ये आबिद जो कह रहा है ये बात सही है कि नस्ल वाली जो मुर्गी होती है ना वो 6 या 7-8 ऐसी बच्चे देती है, इससे ज्यादा नहीं देती। आप जितने भी अंडे रख दो ना वो या तो अनफर्टिलिटी आएगी या तो खराब कर देगी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये बच्चे पहले भी हमारे पास। हाँ दोस्तों वैसे ये ना बहुत ही अच्छी नस्ल में मुर्गी है, हीरा असील मुर्गी, और बहुत ही महंगी होती है ना ये थोड़ी बहुत ना क्रॉस में आगे से ना इसका ब्राउन ब्राउन शेड आ रहा है तो ये प्योरिटी पे नहीं है, लेकिन नस्ल में तो है ना। तो आबिद यही कह रहा है कि यार ये नस्ल में जो मुर्गियां होती है ना ये 6-7-8 इसी तरह से बच्चे देती है और बाकी अंडे खराब कर देती है। क्यों करती है ऐसा? ज्यादातर तो देती कम है अंडे। हाँ। 5-6-7 देती है। अच्छा, ये 13 देती है, बच्चे यही लाएगी 5 से 6-7 बस। सही, ये देखिए माशाल्लाह भाई ओए कितना ही कोई प्यारा सा बच्चा है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो भाई रख दो, और इनको ना बाहर नहीं छोड़ो, इस पे बकरी वकरी चढ़ गई ना बेचारे कुछ हो जाएगा, इनको अंदर ही रखो। और चील बिल भी आके उठा के ले जाती है, फिर क्यों बाहर छोड़ते हो? हाँ वो वाली जो मुर्गी थी ना दोस्तों, अभी लास्ट हमारी एक मुर्गी ने वहाँ पे चल के दिखाते हैं, जो 15 से 16 बच्चे दिए थे उसके सारे के सारे बच्चे ना जिंदा बच गए, वो इसी वजह से हमने उनको बाहर ही नहीं निकलने दिया, वो अंदर ही थे। बिल्कुल भाई 17 बच्चे 17 के 17 जिंदा है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो भाई इसको वैक्सीन कर दो। चलो बेटा भाई टीका लग गया। तो दोस्तों एक एक करके ना यार सारे के सारे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो एक एक करके ना हम लोग सबकी वैक्सीन पूरी कर लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों भाई यहाँ पे हमारी स्टेला आ गई। क्या हुआ? इधर आओ, ऊपर देखो, इधर आओ, क्या हुआ, कहाँ जा रही हूँ? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, कोई कितनी प्यारी डॉग है हमारी। और वहाँ पे भाई आपको देख रहे होंगे टाइसन खड़े हुए हैं, और टाइसन खड़े हुए यहाँ पे हमें गुस्से से देख रहे हैं कि भाई स्टेला के साथ मैं क्या कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप सब लोगों को पता होगा कि यार हमारे पास फार्म पे 2 डॉग्स हैं, ये जो है भाई स्टेला है, ये फीमेल है और ये रिसेंटली हमारे फार्म पे आई है। इसका नाम हमने स्टेला रखा है और इसकी जो ब्रीड है ना वो केन कोर्सो है। ये देखें भाई कितने प्यार से लेट जाती है। और वहाँ पे भाई आप देख रहे होंगे कि यार एक मेल है, उसका नाम हमने रखा हुआ है टाइसन, और उसकी जो ब्रीड है ना वो डोगो अर्जेंटिनो है। तो यार मेरे पास ना एक भाई का मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, वो मुझसे पूछ रहे थे कि यार मुसब भाई मैं ना एक पपी लाना चाहता हूँ घर पर, और आपके पास भी डॉग्स हैं, मुझे सजेस्ट करिए कि मैं ऐसा कौन सा पपी लेके आऊँ जिसको हम लोग घर पर रख के प्रॉपरली ट्रेन करें और बच्चों में ही वो बड़ा हो, और बड़े होने के बाद भी ना वो बच्चों को कोई नुकसान ना पहुँचा सके, हमें कोई किसी किस्म का डर ना रहने कि यार वो बच्चों पे अटैक कर सकता है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि यार आपके पास जो दोनों डॉग्स हैं वो मुझे दोनों बहुत पसंद है, आप उन दोनों में से कोई एक मुझे सजेस्ट कर दें जो बड़ा होके भी ना कोई बड़ों बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और हमारे घर की ना सिक्योरिटी भी पूरी रहेगी। तो उनको तो भाई मैंने सजेस्ट कर दिया कि आप कौन से डॉग की तरफ जाएं। मैंने सोचा कि यार एक वीडियो भी बना देता हूं ताकि आप लोगों में से भी अगर कोई लोग पपी लेना चाहते हैं और उसको बड़ा करना चाहते हैं और उसको बच्चों में ही घर में फैमिली में घुल मिल के रहे और उससे सिक्योरिटी भी रहे, तो मैंने बोला आप लोगों के लिए भी एक वीडियो बना देता हूँ, आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। ये देखिए भाई किस तरीके से लेट गई है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई बहुत लविंग है यार स्टेला, और यार ये सिक्योरिटी में भी इतनी भरपूर है ना मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। चलो भाई इसको भी बाहर लेके चलते हैं और बाहर ले जाके ना मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, और फिर टाइसन को लेते हैं। ये देखिए दोस्तों भाई दोनों के दोनों डॉग्स जो एक खोल लिए, एक को पकड़ लिया आबिद ने, एक को पकड़ लिया सुलेमान चचा ने। अच्छा भाई इन दोनों का ना मैं आपको अपने पास जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे पास जितने टाइम रहे हैं और मैंने जितना इनको एक्सपीरियंस किया है भाई, वो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। ये पहली जो ब्रीड है भाई ये केन कोर्सो है। अच्छा केन कोर्सो जो है ना दोस्तों भाई गार्डिंग के लिए परफेक्ट है, मतलब आपको अगर घर पर सिक्योरिटी के लिए रखनी है केन कोर्सो आप रख सकते हैं भाई, बहुत ही एक्टिव है, मतलब कोई आ रहा होगा घर में वो फौरन भौंकना शुरू हो जाएगी, अगर खुली भी होगी ना तो वो उसको पकड़ भी लेगी और छोड़ेगी भी नहीं। और भाई उसी के साथ साथ ये लविंग भी बहुत है और समझदार भी बहुत है, और इनको ना प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, मतलब आप वीक में ना इनकी 3 से 4 बार तो ट्रेनिंग करें, और इनको ना आप महीने में एक बार आप नहला सकते हैं ना, मतलब इनको ऐसा नहीं है कि यार मतलब जैसे कि टाइसन को है, टाइसन को हमें 10 दिन में नहलाना पड़ता है, अगर इसको हम लोग महीना भी नहीं नहलाएंगे ना तो इतना इशू नहीं है। लेकिन दोस्तों वही बात आ जाती है गार्डिंग के लिए प्रॉपर और लविंग भी है। ये देखें इधर आओ स्टेला, इधर आओ, बस बैठो, इधर आओ, लेट जाओ, बैठो, सेट। ये देखें थोड़ा सा मैं इसको प्यार करूँगा ना,
इससे खड़ा भी नहीं रहा जाएगा, ये फौरन से बैठ जाएगी, प्यार करने लग जाएगी। लेटो, बैठ जाओ सैला सेठ। माशाल्लाह ये देखें भाई बैठ गई, और अभी थोड़ी देर में ना लेट जाएगी। आप लोगों ने मेरी पहले की भी वीडियोस देखी होंगी, उसमें भी यही होता है। ये देखें भाई बहुत ही लविंग और बहुत ही समझदार। आप लोग इसको ना प्रॉपरली घर पे ट्रेन भी कर सकते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ थ्रो करनी है ये जाके लेके आए। आप इसकी फूड ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, आप इसको खाना नहीं दें जब तक ये बैठ नहीं जाती, उस पर ये प्रॉपरली ट्रेन हो जाएगी। और केन कोर्सो जो है भाई, ये ब्रीड ऐसी है, थोड़ी एंटरटेनमेंट मांगती है, इसको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। आप इसको वीक में 2 से 3 दफ़ा ट्रेनिंग देंगे तो वो प्रॉपरली आपके साथ अच्छी रहेगी। और मैं यही कहूँगा दोस्तों भाई, ये बहुत अच्छी ब्रीड है अगर आपको सिक्योरिटी ये घर में रखना है, और अगर आपके घर में बच्चे हैं, आप चाहते हैं बच्चों के साथ भी खेलती रहे, कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो भाई केन कोर्सो की तरफ आप जा सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। माशाल्लाह ये देखें भाई किस तरीके से लेट गई, आपको किसी किस्म का डर नहीं है। मैं इसके मुंह में भी हाथ डाल दूंगा, कुछ भी कर लूंगा, कुछ भी नहीं करेगी, ज़रा सा भी बाइट नहीं करेगी, अगर मेरे पास आएगी भी और वो काटेगी नहीं, अपना मुंह मारेगी, अपने दांत से बाइट कभी भी नहीं करेगी, ये प्रॉपरली ट्रेन है। अब देखें मैं ज़रा सा छोड़ूंगा, ये देखें लेट गई, ये देखे भाई माशाल्लाह भाई। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, जो उन भाई को भी मैंने सजेस्ट किया था कि यार अगर आप घर पे रखना चाहते हैं तो आप केन कोर्सो की तरफ जा सकते हैं। वो जो ब्रीड है ना यार, डोगो अर्जेंटिनो, ये घर में रखने वाली ब्रीड नहीं है, ये बहुत ही ख़तरनाक कैटेगरी में चली जाती है। अगर आप लोगों ने पिटबुल, रॉटवाइलर, इन कुत्तों का नाम सुना होगा, आप लोगों को पता होगा मोस्ट एग्रेसिव ब्रीड्स में आते हैं, तो उसी में ये भी आता है, हमारे जो है डोगो अर्जेंटिनो। टाइसन कैसे हो, ये देखिएगा अभी जंप मारेगा ये मेरे ऊपर, ये देखें इस तरीके से ये आप पे अटैक कर सकता है। अटैक करने मुझे पता है भाई वो नहीं आ रहा, लेकिन यार ये बच्चों के साथ आप घर पे नहीं रख सकते। डोगो अर्जेंटिनो का यही सीन है दोस्तों, आप इसके पास जाएंगे, आपके ऊपर आ जाएगा, आपके कंधों पे वो पाँव रख देगा, और इसकी तो एज ही अभी 1.5 साल की है दोस्तों, और ये जैसे जैसे बड़ा होता रहेगा इसकी हाइट भी बढ़ जाएगी, और ये ना और मोटा भी हो जाएगा। इसका जो मुँह अभी आपको दिख रहा है ना, जो पहले की वीडियोज़ में जाके देखेंगे आप, इसका बहुत ही पतला सा मुँह था, और आप देख रहे हैं कि इसका मुँह ना कितना बोल्ड होना शुरू हो गया है, और वक्त के साथ साथ ना और बोल्ड हो जाएगा। तो दोस्तों ये ब्रीड है प्रॉपर गार्ड करने के लिए, अगर आपको फार्म पे सिक्योरिटी चाहिए और बहुत हाई सिक्योरिटी चाहिए, तो उसके लिए डोगो अर्जेंटिनो बेस्ट डॉग है। ये लविंग भी है और ये बहुत प्रॉपर ट्रेन भी होता है, समझदार भी है, लेकिन आप इस पे भरोसा नहीं कर सकते, इस पे आप भरोसा कर सकते हैं कि ये आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन उसका वही बात है ना कि यार दिमाग घूम गया तो वो आपको भी नहीं पहचानेगा, जितना भी आप बचपन से पाल लें। तो डोगो अर्जेंटिनो का ये सीन है। वैसे यार ये बहुत प्यारा है, बहुत लविंग है, सुनता भी है और प्रॉपर ट्रेन भी हुआ हुआ है। इसको हम बोलते हैं हाथ मिलाओ, हाथ मिलाता है, हाथ मिलाओ, इधर आओ, आओ हाथ मिलाओ, ये देखें अभी दोनों हाथ लेके आ गया, हाथ मिलाओ, एक इधर आओ, ये देखें। तो दोस्तों इस तरीके से जो ये आता है ना ऊपर, ये मेरे हाथ पे भी ये आपने देखा था अभी, इसने पाँव रखे, लेकिन कोई भी आपको नाखून का निशान नहीं होगा, नाखून नहीं गाड़ता ये। आओ हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, आओ आओ, ये देखें दोस्तों भाई नाखून कभी भी नहीं गाड़ेगा ऐसे पकड़े में, बिल्कुल भी बाइट नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों कुछ कह नहीं सकते, डोगो अर्जेंटिनो एक ख़तरनाक ब्रीड है। अगर आपका फार्म है, अगर तो आप कोई खाली जगह है, कोई प्लॉट है आपका, अगर आप वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए चाहते हैं तो भाई डोगो अर्जेंटिनो रखते हैं। अगर आपको घर में रखना है, कोई वहाँ पर बच्चे भी है और आप चाहते हैं कि भाई डॉग खुला रहे और बच्चों को भी कोई नुकसान ना पहुँचाए, तो भाई सबसे बेहतरीन ब्रीड केन कोर्सो है, तब आप डोगो अर्जेंटिनो की तरफ नहीं जाइएगा अगर आपको घर में बच्चों के साथ खिलाना है। क्यों टाइसन, आओ हाथ मिलाओ, आओ, अच्छा इधर तो आओ, हाथ तो मिलाओ, हाँ ये देखो भाई इतनी तारीफ करिए तुम्हारी, समझदारी तो दिखाओ थोड़ी, माशाल्लाह भाई बहुत प्यारा है। चलो भाई, तो दोस्तों भाई जितना मेरे इन कुत्तों की नॉलेज थी, ये 2 ही कुत्ते हैं मेरे पास, इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम और ऐड करते रहेंगे तो उनके बारे में भी मैं आपको बताता रहूँगा। हम फार्म पे ना यही 2 ब्रीड लेके आए, मेरा प्लान था कि यार मैं जर्मन शेफर्ड भी लाऊँ और हस्की भी एक मेरे माइंड में था, लेकिन यहाँ पर गर्मी भी बहुत होती है और यहाँ पे मिट्टी भी बहुत है। इस मिट्टी में ना दोस्तों वो फर वाले जो जर्मन शेफर्ड है, हस्की है, वो कभी भी नहीं रह सकते, एक हफ्ते में इस मिट्टी की वजह से उनके बाल ख़राब हो जाएंगे। तो इनके बाल बाल नहीं है, ये यहाँ पे अच्छे से सरवाइव कर लेते हैं। तो अभी बांधो। तो दोस्तों यही सीन है यार, मैंने आप लोगों को अपने जो इतना मुझे पता है, जितनी इनकी मालूमात है, मैंने बता दिया कि भाई केन कोर्सो आप रख सकते हैं फैमिली के साथ, आप डोगो अर्जेंटिनो बिल्कुल नहीं रखिएगा, रख सकते होंगे लेकिन भाई मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि वो एक ख़तरनाक कुत्ता है। ये देखिए दोस्तों ये वाइट कबूतर आपको दिख रहा है, ये देखिएगा भाई अभी क्या करेगा ये वहाँ से ना भाई, कब से अपनी ये घास उठा उठा के
ये वहां से उठा के, ये देखें भाई अभी उठा के लेके आया, ये सीधा अंदर चला गया वहां पे बॉक्स के अंदर, वहां पे रख दिया। ये देखें, ये रहा, ये देखें, ये भी लेके जाएगा ऊपर, अपनी मादी को दे दिया वहाँ पे। एक फीमेल बैठी हुई प्रॉपरली वहाँ पे घोंसला बना रही है। और ये कब से यार, ये कोई 20 चक्कर लगा चुका है, यहाँ से जाता है वहाँ जाता है, मैं देख रहा हूँ वहाँ से भाई अपना वो कुछ वो वहाँ से वो उठाता है, घास उठाता है और फिर यहाँ से ना फिर अंदर चला जाता है और वहाँ पे फीमेल को दे रहा है। और फीमेल बाकायदा भाई अंदर नेस्टिंग कर रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, बहुत ही अच्छा नज़ारा है यार ये। ये देखिए भाई, अभी मुझे देख के शायद घबरा आ गया। ये देखिए भाई, फिर चला गया वहाँ से, फिर घास उठाएगा। ये देखिएगा भैया, पतला वाला छोटा हिस्सा उठा रहा है, कोई बड़ा पीस ना उससे उठाया नहीं जा रहा। तो वो देखें भाई, वहाँ पे मज़े से छोटा सा कोई पीस ढूंढ रहा है ताकि वो इजीली उठा सके। ये देखें भाई, ढूंढ रहा है। ये देखें भाई, उठा लिया और ये वापस अंदर, यहाँ पे वापस रख देगा, फीमेल को देगा, फीमेल सेट करेगी और ये फिर उठाने चले गए। माशाल्लाह सीन नज़ारा यार। ये देखिए दोस्तों भाई, सारे के सारे जानवर कितना सुकून से बैठे हुए, कितने प्यारे लगे हुए। यहाँ पे सिर्फ एक जग्गू दादा खड़े हुए और जग्गू दादा के बाद भी सारे लाइन से देखे भाई, कितना सुकून से बैठे हुए। मैं अभी सोच रहा था कि यार अंदर जाऊँ, लेकिन मैं अंदर जाऊँगा ना, ज़रा सा भी आगे जाऊँगा, ये सारे के सारे उठ जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए लावा उठने की कर रहे हैं। तो मैं अभी अंदर नहीं जाता, बाहर से ही दिखा देता हूँ। अभी थोड़ी देर में इनका वनडे का टाइम होने वाला है, फिर सारे के सारे वैसे भी खड़े हो जाएंगे ना, तो तब तक इनको बैठे रहने देते हैं। और ये देख लें भाई, सारे के सारे जानवर सेट हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पे भी सारे के सारे बच्चे बिल्कुल ही परफेक्ट हैं। और ये देखिए भाई, ये कहाँ पे घूम रही है हसीना, हसीना कहाँ घूम रही है भैया, आप रस्सी खोल के इधर आए हसीना। नहीं भाई, नहीं सुन रही यार। चलो भाई इसको घूमने देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं करूँगा वीडियो को एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट मस्त कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसी के साथ यार अपने भाई को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।